आज मैं आप लोग के साथ अपनी खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखें बनाने की विधि। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने पहले से दाल चावल धोकर रख लिया है। मैंने इसमें लिया है मूंग दाल, साबुत उड़द दाल, चना दाल और तूर दाल। साथ में मैंने इसमें उसना चावल यूज़ किया है, जिसे हम स्टीम राइस कहते हैं। खिचड़ी आप बासमती चावल का भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे कुछ हरी सब्जियां, जैसे मैंने एक कटोरी हरा मटर लिया है और आधी कटोरी गाजर, दो टमाटर बारीक कटा हुआ, और साथ में डालेंगे फूलगोभी, जिसे मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया है। आप इसे अभी ना डालें, इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे मैंने बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाला है, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। डाल दे एक साबुत तेजपत्ता। तेजपत्ता डालना ना भूले, इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। नमक डाल दे स्वाद अनुसार। एक बार और मैं रिमाइंड करूँगी, फूलगोभी को सबसे लास्ट में डालेंगे, इसे हम रख देते हैं अभी साइड। अब इसमें डाल दें ज़रूरत के हिसाब से पानी, मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। खिचड़ी के साथ खाने के लिए मैं बनाऊंगी आलू का चोखा। मैंने आलू को पील कर लिया है और इसे इसी के साथ कुक कर लूंगी। इससे टाइम का बचत होगा, तो इसे मैं लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 सीटी लगा लें। सीटी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं खोल कर दिखाती हूँ। आप देखेंगे इसका रंग काफ़ी अच्छा आया है और ये काफ़ी अच्छे से गल चुका है। तो मैंने जो आलू डाला था इसमें, वो मैं निकाल लेती हूँ। मैंने सारा आलू निकाल लिया है। चावल को मैंने 90% ही कुक किया है। मैं इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। अब इसमें डाल दें फ्राई किया हुआ गोभी। फुल गोभी को मैंने पहले ही नमक डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे मिला दें इस खिचड़ी में। इसमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भाप से ही पक जाएगा। अब मैं चोखे के लिए मिर्ची तैयार करूँगी। इस प्रकार से आप रोस्ट कर ले मिर्ची को और क्रश कर ले। इसमें बॉयल आलू डाल दे और इसे पोटैटो मैशर या फिर स्पून से आप मैश कर ले। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चोखे में हमेशा मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मस्टर्ड ऑयल को आप गर्म करके भी डाल सकते हैं। चोखा को और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। अब हम खिचड़ी में लगाएंगे गाय के घी का तड़का। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब इसमें डाल दें 1 साबुत लाल मिर्च। मैंने 2 बड़ा चम्मच घी यूज़ किया है। अब इसमें डाल दें आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग। तड़के को अच्छे से रोस्ट कर लें, जिससे घी में मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। अब हम लगाएंगे घी का गर्मा गर्म तड़का। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसे चोखा, चटनी और पापड़ के साथ सर्व कीजिए।